अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो सब आप लोग? उम्मीद है खैर आफियत के साथ होंगे। जी आप ये कुछ देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सैड न्यूज़ चल रही है आजकल। सबको पता होगा कि पाकिस्तान पे किस तरह शदीद प्रॉब्लम हो रही है। मुझे तो देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और ये देखिए किस तरह घर गिर रहे हैं लोगों के। फ्लड में जो ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ये तो वही लोग समझ सकते हैं। तो हम बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं आप लोगों के साथ कि हम सोचे हैं कि हम इनके साथ इनके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, वो अभी हम आपको बताते हैं कि क्या भी बताना चाहती हूँ। वो ये है कि अभी आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर अच्छा जी। तो मैं इससे पहले आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ। पहले आप यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। कि देखो एक पानी है और वो पानी का जो ब्रिज है कैसे टूट के बह के जा रहा है। मतलब कितना मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। अब ये देखिए ये कुछ इनका कुछ मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल एरिया लगता है, जो भी वो भी टूट रहा है। यानी उनका जो मेन जो था ना कनेक्टिविटी, जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहती है, वो सब ख़त्म हो गई है। तो इसलिए कोई किसी के पता नहीं, जो प्यारे वापस फंसे हुए हैं वो उनसे कॉन्टैक्ट उनसे सही नहीं हो पा रहा। आप देखिए किस तरह ये कोई इंडस्ट्रियल जगह है जो ये लोग यानी मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं देख के मेरा दिल इस वक्त इतना परेशान है। आप देखिए किस तरह ये लोग हो रहे। एक कनेक्टिविटी टूट गई है, एक कनेक्शन टूट गया। अब पता नहीं जो लापता है जिनके घर वाले उन पे क्या गुजरी होगी। ये चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ। बाकी ये है कि मैं अब आपको कुछ चीज़ दिखाती हूँ जो हम उनके लिए एक चीज़ कर सकते हैं और दे सकते हैं। अच्छा ये चीज़ हम उनके लिए कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, तो अभी हम आपको खोल के दिखाते हैं कि ये क्या चीज़ है और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखिए ये हम कर सकते हैं इन लोगों के लिए। हेल्प फ्लड विक्टिम्स, ठीक है, जो हम उनके लिए यहाँ पर रह के ये चीज़ कर सकते हैं। देखो हम कितना प्यारा तोहफा दे रहे हैं। ये सिर्फ हम बोलने की हद तक नहीं है, हम कर भी रहे हैं। हमारे यहाँ जो एलेक्सा की जो फैमिली है वो उन्होंने किसी से रेफर किया है यहाँ पर बहरीन में कि हम अपने फ्लड विक्टिम्स को किस तरह की हेल्प दे सकते हैं। बेशक आप पैसे ना दें, अपनी यानी अपने ऊपर है, आप अगर पैसे देना चाहते तो वो भी दे दीजिए, इट्स अप टू यू। अगर आप कुछ अपना यानी जो अनवांटेड सामान है कुछ डोनेट करना चाहते हैं उन विक्टिम्स के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर है। ये तो सिर्फ अजर के तौर पे हम ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अगर फ़र्ज़ करें अगर हमारे प्यारे वापस फंसे होते तो आप क्या कुछ नहीं करते। आप तो अपनी जान भी लौटा के उनको दे देते, वो भी आपके लिए कम होगी। और यानी ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो मुझे तो बहुत दुख हुआ इन लोगों के लिए, क्योंकि पहले मुझे पता था लेकिन इतना नहीं पता था। फिर मुझे बाद में पता चला कि इन पे क्या गुजर रही है। तो क्योंकि जब मैंने मूवीज़ वगैरह देखी तो तब मुझे पता चला, मुझे लगा शायद नॉर्मली सैलाब होगा, लेकिन आपको पता है जो जगह है वो तो यानी पूरा वो कैमरे का कुछ हो गया था, ये मुझे ये भी नहीं पता मैं क्या कह रही थी। फिलहाल मैंने जब इनको देखा तो तब मुझे सही पता चला कि इन पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये जो जगह ऐसी है कि यहाँ पर अगर ज़रा सा भी कुछ सैलाब आता है तो ये तो बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन कर देती है। और ये आप देखिए किस तरह घर गिरे हैं। तो मैं भी आपको कुछ वीडियोस दिखाती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम इस बारे में बात करते हैं। Thank you.
आपने वीडियोस देखी हैं दो जो मैंने डाली हैं, किस तरह ये इन पे गुजर रही है, जिन पे गुजर रही वही लोग जानते हैं। तो इसलिए अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, चाहे वो कपड़े हो या कुछ भी हो, कुछ भी, क्योंकि मुसीबत के वक्त में छोटी सी छोटी चीज़ उनके लिए नेमत होती है, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं, पैसों से लेके कपड़े तक, कपड़ों से लेके इवन कि आप टिश्यू पेपर भी दे दीजिए, टिश्यू पेपर का बॉक्स, ठीक है, वो भी उसमें भी अल्लाह ताला आपके लिए अजर लिख देगा। और इन लोगों को हेल्प करना यानी बहुत सवाब का काम है। तो अगर आपको किसी को मदद करनी है तो आप यहाँ पर कमेंट पे मैसेज ड्रॉप कीजिए, ठीक है, कमेंट ड्रॉप कीजिए और हम आपसे खुद ही कॉन्टैक्ट करेंगे। हम आपको पर्सनल नंबर बता देंगे जिस पे आपने वो वहाँ पर देना है, सिर्फ बहरीन के लोग, क्योंकि जो दूसरे मुल्क के लोग हैं वो तो थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी जो बहरीन के लोग हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, मैं उनको पर्सनली नंबर दूँगी किसी का जो ये कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पर आप हमसे रابطہ कर सकेंगे और आप अपना कुछ भी डोनेट कर सकेंगे। देखिए गाइस, हम भी ऐसी डोनेशंस वगैरह कर रहे हैं, कपड़े, ये खाना, ये राशन वगैरह, कुछ भी मदद हो सकती है आप करें जैसे भी। और ये देखिए लोग कितने ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं चीज़ें, कपड़े, ये राशन, ये सब कुछ, इवन के देखे घी वगैरह और ये सारा कुछ। ये देखिए गाइस, ये कैसे घरों में पानी आ चुका है, इनका सामान, ये पता नहीं कितनी इनकी चीजें गई होंगी, कितना कुछ इनका नुकसान हुआ होगा। ये देखें कैसे लोग डूब रहे हैं उधर। तो गाइस, आज का व्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ। और अगर आप एक काम कर दें तो वो ज़्यादा ही बेहतर होगा, बजाय हम ये लाइक, शेयर, ये सब्सक्राइब का करने के बजाय अगर हम डोनेट कर दें तो हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। दाती सामान बराए सहलाब ज़दकान करने के लिए ना। हाँ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।